नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है वैज्ञानिक प्रबंधन। FW टेलर वैज्ञानिक प्रबंधन के प्रणेता हैं और जिस समय उन्होंने ये सिद्धांत दिया था उस समय 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध और 20वीं शताब्दी का पूर्वार्ध था। उन्होंने उस समय संगठन में जो सिद्धांत दिया, उन्होंने प्रबंधन में जो वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत दिया, उसने प्रबंध और प्रशासन में बहुत सारे परिवर्तन किए और यूरोप तथा अमेरिका के औद्योगिक संगठनों को प्रभावित किया। तो आज का हम देखते हैं कि टेलर ने वैज्ञानिक प्रबंधन के बारे में क्या कार्य किया है और उनके क्या सिद्धांत हैं। सबसे पहले देखते हैं कि संगठन के सिद्धांत और उन सिद्धांतों की जो थियरी होती है उसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की थियरी को हम मूल रूप से दो भागों में बाँट सकते हैं। पहला है सार्वभौम डिजाइन सिद्धांत, यानी यूनिवर्सल डिजाइन। इसका मतलब है कि सब प्रकार के संगठनों में एक ही प्रकार का प्रबंध या प्रशासन लागू हो सकता है, यूनिवर्सल डिजाइन। और सिचुएशनल डिजाइन जो है उसका मतलब है कि परिस्थिति के तहत डिजाइन सिद्धांत यानी थियरी होती है वो सार्वभौमिक डिजाइन सिद्धांत की हो सकती है या परिस्थितिगत डिजाइन सिद्धांत की हो सकती है। जो यूनिवर्सल डिजाइन थियरी के सपोर्टर्स हैं वो ये मानते हैं कि इस प्रकार का सिस्टम बंद व्यवस्था होता है, बंद व्यवस्था। और जो परिस्थितिगत डिजाइन थियरी को मानने वाले लोग होते हैं वो ये मानते हैं कि इस प्रकार का संगठन खुली व्यवस्था के अंतर्गत होता है। जो सार्वभौम डिजाइन सिद्धांत को मानते हैं वो ये मानते हैं कि काम करने का एक बेस्ट तरीका होता है और उस बेस्ट तरीके पर उनका फोकस रहता है। और जो परिस्थितिगत डिजाइन सिद्धांत वाले लोग हैं वो ये मानते हैं कि संगठन में मानवीय तत्व इम्पोर्टेंट होता है, न कि दूसरा कोई तत्व है। और वो फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलेपन को भी सपोर्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। जो यूनिवर्सल डिजाइन थियरी है उसमें टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट, हेनरी फेयोल का क्लासिक थियरी, हालांकि हेनरी फेयोल के साथ साथ अन्य विचारक भी हैं जिन्होंने क्लासिक थियरी में अपना योगदान दिया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थियरी या क्लासिक थियरी ऑफ मैनेजमेंट के जनक कहे जाते हैं फेयोल। तो सबसे प्रमुख योगदान है वो हेनरी फेयोल का है तथा वेबर की नौकरशाही, ये सिद्धांत आते हैं। जबकि सिचुएशनल डिजाइन थियरी में व्यवहारवादी विचारधारा, सिस्टम्स अप्रोच, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम तथा मानव संबंध की विचारधारा आती है। एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर, क्लासिक मैनेजमेंट थियरी में मूल रूप से टेलर, फेयोल तथा वेबर आते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है FW टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध। इसमें बहुत सारे आपके फैक्ट्स होंगे जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की दृष्टि से बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा। टेलर, जिनका जन्म जर्मन टाउन फिलाडेल्फिया में, एक शहर जर्मन टाउन में हुआ है जो पेंसिल्वेनिया में है, टेलर मूल रूप से इंजीनियर थे, USA के थे, यानी वैज्ञानिक प्रबंधन की शुरुआत अमेरिका से हुई। और ये इनका काल है 1856 में टेलर का जन्म हुआ, 1915 में टेलर की मृत्यु हुई। इनको वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है और वैज्ञानिक प्रबंध की विचारधारा को टेलरवाद भी कहते हैं, टेलरवाद। चूँकि ये विचारधारा टेलर ने इसको लोकप्रिय बनाया है, हालांकि वैज्ञानिक प्रबंधन का जो शब्दावली का इस्तेमाल है वो लुई ब्रैंडिस ने किया था 1910 में, लेकिन वैज्ञानिक प्रबंध का जनक टेलर को माना जाता है। टेलर को फादर ऑफ सिस्टम इंजीनियरिंग भी कहते हैं, एन आर्क प्रिस्ट ऑफ एफिशिएंसी भी कहते हैं इनको। इन्होंने दो कंपनियों में काम किया, बेसिकली ये स्टील कंपनी है, आयरन कंपनी, स्टील कंपनी। कंपनी का नाम है मिडवेल स्टील कंपनी और बेथलेहम स्टील कंपनी। ये इनकी बुक, जो इनका फेमस वर्क है द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और सारा का सारा इनका कार्य है वो इसी किताब की प्रसिद्धि पर निर्भर करता है। टेलर के जो कार्य हैं, इन्होंने लेख लिखे और पुस्तकें लिखी। इसमें से जो महत्वपूर्ण हैं
वो है सोप मैनेजमेंट और द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। दोनों ही लेख भी हैं और दोनों ही बुक्स भी हैं, लेकिन परीक्षाओं में सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इनके आर्टिकल्स, पेपर्स या बुक्स हैं वो सारी की सारी हमें याद करनी चाहिए। तो सबसे पहले इनका नोट्स ऑन बेल्टिंग, दूसरा ए पीस रेट सिस्टम जो कि 1895 में प्रकाशित हुआ, सोप मैनेजमेंट जून 1903 में, ऑन द आर्ट ऑफ कटिंग मेटल्स 1906 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत 1907 में, और द गॉस्पल ऑफ इफिशंसी 1911 में। ये आर्टिकल्स या पेपर्स जो कि टेलर ने पढ़े और ये प्रकाशित करवाए। टेलर के सारे पेपर्स बुक्स में आप एक चीज़ को नोट करेंगे कि जैसे मेटल्स, पीस रेट, बेल्टिंग, इफिशंसी, ये सारे शब्द हैं, ये औद्योगिक संगठनों में कारखाना स्तर पर काम करने से रिलेटेड है। तो मूल रूप से इंजीनियर हैं तो ऐसी शब्दावली का प्रयोग उनके लिए उचित है। उनकी बुक्स कंक्रीट प्लेन एंड रेनफोर्समेंट, जिसमें वो को ऑथर थे, उनके साथ ऑथर थे एस सी थॉम्सन, एक सोप मैनेजमेंट 1910 में वेरी इंपॉर्टेंट, और सबसे महत्वपूर्ण बुक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट यानी वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, जो 1911 में पब्लिश हुई थी, 1909 में इसको लिखा गया था। एक है कॉन्क्रीट कॉस्ट 1912 में आई थी, को ऑथर थे इसके एस ई थॉम्सन। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट ये 1947 में पब्लिश हुई थी और इसमें तीन चीज़ों को सम्मिलित किया जाता है। एक तो है सोप मैनेजमेंट 1910 की रचना, 1911 का द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। फिर जब इन सिद्धांतों का विरोध हुआ, टेलर के सिद्धांतों का विरोध हुआ, तब टेलर को अमेरिका की जो संसद, कांग्रेस का जो निम्न सदन है, प्रतिनिधि सभा, उसके द्वारा एक विशेष समिति गठित की गई थी। उसके समक्ष टेलर को गवाही देनी पड़ी थी, उस गवाही को सम्मिलित करते हुए इस किताब को छापा गया था 1947 में, द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट का प्रकाशन हुआ था। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बुक में तीन सेक्शन हैं, देर आर थ्री सेक्शंस, तीन सेक्शन और दो चैप्टर हैं, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकेंड, जबकि सेक्शन तीन हैं। पहले सेक्शन का नाम है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का उल्लेख है। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के लाइन से स्टार्ट होता है, इन इज एड्रेस टू द गवर्नर्स एट द व्हाइट हाउस प्रोफेटिकली रिमार्क दैट द कंजर्वेशन ऑफ आवर नेशनल रिसोर्सेज इज ओनली प्रेलिमिनरी टू द लार्जर क्वेश्चन ऑफ नेशनल एफिशंसी। तो टेलर का जो भी ये कार्य था, वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत, ये कार्य कुशलता पर या दक्षता पर आधारित था। उन्होंने दक्षता पर कार्य किया है औद्योगिक संगठनों में, और उन्होंने चैप्टर फर्स्ट का जो टाइटल रखा है वो है फंडामेंटल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और चैप्टर सेकेंड का टाइटल था द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि खुद बुक का नेम भी है। इंट्रोडक्शन में फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, जिनको प्रेसिडेंट कहा गया है एसमे का, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स, टेलर मैकेनिकल इंजीनियर थे। टेलर के जो प्रयोग थे वो दो कंपनियों में थे, एक था मिडवेल स्टील कंपनी और एक था बेथलेहम स्टील कंपनी। बेथलेहम स्टील कंपनी को पहले बेथलेहम आयरन कंपनी भी कहा जाता था, बाद में इसका नाम बेथलेहम स्टील कंपनी हो गया। तो मिडवेल स्टील कंपनी में भी दो प्रयोग किए टेलर ने मुख्यतः, और बेथलेहम स्टील कंपनी में भी मुख्यतः टेलर के दो प्रयोग हैं। मिडवेल कंपनी में टेलर ने एक फिनोमिना की स्टडी की कि कुछ कार्मिक हैं वो जानबूझकर अधिक उत्पादन नहीं करते हैं। इस फिनोमिना को, इस प्रवृत्ति को टेलर ने सोल्जरिंग कहा है, सोल्जरिंग। और टेलर ने इसके दो कारण बताए हैं, एक नेचुरल सोल्जरिंग और दूसरा सिस्टेमेटिक सोल्जरिंग। इसको हम आगे पढ़ेंगे।
उसके साथ दूसरा प्रयोग उन्होंने किया मेटल कटिंग का, धातु कटाई प्रयोग। ये इन्होंने मिडवेल स्टील कंपनी में काम किया था। फिर ये बेथलेहम कंपनी में आ गए, बेथलेहम पेंसिल्वेनिया में है, जो उन्होंने अपने जीवन के अंतिम दौर में ज्वाइन किया। बेथलेहम जब इन्होंने ज्वाइन किया तो बेथलेहम में बहुत ज़्यादा समस्याएं थी, उत्पादन बहुत कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही टेलर ने ज्वाइन किया उसके बाद इस कंपनी का उत्पादन अप्रत्याशित रूप से बढ़ा। इन्होंने जो दो प्रयोग किए वो थे पिग आयरन हैंडलिंग यानी कच्चे लोहे को हटाने का प्रयोग और फावड़े का प्रयोग, सवलिंग एक्सपेरिमेंट एंड पिग आयरन हैंडलिंग एक्सपेरिमेंट। कच्चे लोहे को हटाने में इन्होंने ये पाया कि जो कर्मचारी पहले 12.5 टन कच्चे लोहे को हटा सकते थे, बाद में इन्होंने अपने साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट से उनको 47.5 टन सामग्री उठाने की क्षमता वाला बना दिया। फावड़े के प्रयोग में उन्होंने बताया कि भारी पदार्थों को हटाने के लिए हल्के फावड़ों का प्रयोग करना चाहिए और हल्के पदार्थों को हटाने के लिए भारी फावड़ों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। फावड़े को सवल कहते हैं, सवलिंग एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने 16 टन से 49 टन की कैपेसिटी अपने वैज्ञानिक जो प्रबंध के प्रयोग थे उनके द्वारा डेवलप कर दी थी। तो टेलर के प्रयोग मिडवेल और बेथलेहम स्टील कंपनी में आधारित थे, और मिडवेल स्टील कंपनी का जो उनका प्रयोग था इसी के आधार पे साइंटिफिक मैनेजमेंट की थियोरी मूल रूप से डेवलप हुई थी। सोल्जरिंग का मतलब है कि काम को जानबूझकर कम करना, उत्पादन कम करना। इसके लिए टेलर ने अपनी पुस्तक में अंडरवर्किंग शब्द का इस्तेमाल किया है, और दो टर्मिनोलॉजी उन्होंने ये बताई है कि इंग्लैंड में इसे हैंगिंग इट आउट कहा जाता है और स्कॉटलैंड में इसे कैकेनी, ये स्पेलिंग टेलर ने अपने बुक में मेंशन की है, कैकेनी कहते हैं। इसका मतलब है कि एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि कार्मिक काम नहीं करना चाहते या उत्पादन कम करना चाहते हैं, तो इस शब्द को इन्होंने सोल्जरिंग कहा है। सोल्जरिंग शब्द इस किताब में दो देशों के लिए प्रयुक्त किया है उन्होंने, एक अमेरिका और एक इंग्लैंड में, और वो भी उनके औद्योगिक संगठनों के संदर्भ में। टेलर ने ये बताया है कि सोल्जरिंग दो प्रकार से होती है, इसके दो कारण होते हैं, लोफिंग भी बोला है। दो कारण कौन से हैं, एक प्राकृतिक कारण और एक व्यवस्थित कारण। एक तो होती है नेचुरल सोल्जरिंग और एक होती है सिस्टमेटिक सोल्जरिंग। तो नेचुरल सोल्जरिंग तब होती है जब चीज़ों को आप एकदम हल्के में लेते हैं, आलस्य की वजह से, कमजोरी की वजह से ऐसी धारणा बना लेते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हो ही रहा है, अपने को तो वेतन मिल रहा है, तब इसको बोलते हैं नेचुरल सोल्जरिंग। इसका इलाज किया जा सकता है, या तो कर्मचारी को डराइए, थ्रेट, या परसुएड कीजिए उसको, थोड़ा सा धमकाइए डराइए, तो नेचुरल सोल्जरिंग का इलाज किया जा सकता है। बट सिस्टमेटिक सोल्जरिंग बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि ये डेलिबरेटली की जाती है, जानबूझ के की जाती है, और ये अकेले कर्मचारी द्वारा नहीं की जाती, इसमें बहुत सारे कर्मचारियों का योगदान होता है, सब मिलके करते हैं ये सिस्टमेटिक सोल्जरिंग। तो इसके लिए हमें साइंटिफिक मैनेजमेंट अपनाना चाहिए। किस प्रकार हम वैज्ञानिक प्रबंध की विधियों का प्रयोग करके, टेक्निक्स का प्रयोग करके और संगठन में हम सिस्टमेटिक सोल्जरिंग को ख़त्म कर सकते हैं। टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन का दर्शन इसी पर आधारित है कि किस प्रकार उद्योगों में उत्पादन को बढ़ाया जाए, और ये सबसे इम्पोर्टेंट था उस समय तो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत। टेलर ने किस प्रकार वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांत दिए हैं, चार सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है टेलर का कि किसी भी काम को करने का कोई ना कोई सबसे अच्छा तरीका होता है, वन बेस्ट मेथड, वन बेस्ट वे। तो उस काम को उसी तरीके से किया जाना चाहिए, न कि परंपरागत नियमों से। रूल ऑफ थंब, जिसको हम अंगूठा नियम भी कह सकते हैं, अंगूठा नियम प्रबंधन में पुराने
पुराने सिद्धांतों के आधार पर लागू किया जाता था। उसमें काम करने का कोई विशेष तरीका नहीं देखा जाता था, सीधा काम दे दिया जाता था, चाहे काम अच्छी तरीके से हो या नहीं हो। तो टेलर ने साइंटिफिक मेथड से किसी भी काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढने को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा है कि कार्य का सही विज्ञान विकसित होना चाहिए, पहला सिद्धांत यही है। दूसरा सिद्धांत है कि कर्मचारियों का वैज्ञानिक रूप से चयन कीजिए, सिलेक्ट कीजिए, उनको ट्रेन कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए और उनको सिखाइए और फिर उनको विकसित कीजिए। सिलेक्ट, ट्रेन, टीच एंड डेवलप, कार्मिकों का वैज्ञानिक चयन, प्रशिक्षण और विकास कीजिए, ये दूसरा सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत जो पहले नंबर की चीज़ है, कार्य का सही विज्ञान, तथा दूसरी चीज़ कि जो कार्मिक हैं वैज्ञानिक रूप से चयनित, प्रशिक्षित और विकसित, उन कार्मिकों को आपस में मिलाना है, यानी एक और दो को साथ में लेके आना है। इसमें हम एक उदाहरण देख सकते हैं, एक मूवी का उदाहरण, गब्बर इज़ बैक मूवी, इसका ये आपको सीन याद होगा अगर तो। ये जो कार्मिक है, ये कार्मिक, इसको सही जगह पर नहीं स्थापित किया गया है, इसको ये मूल रूप से नेचुरली उसमें कुछ ढूंढने का क्लू ढूंढने का काम करता है, लेकिन ये इसको ड्राइवर बना के रखते हैं, तो ये पुलिस ऑफिसर है उस फिल्म में। तो इसके माध्यम से हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार सही कार्मिक को सही जगह अगर बैठाया जाए तो काम इजीली हो सकता है। अगर कर्मचारी को अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं दिया जाएगा तो वो संगठन के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, संगठन अपने उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो कार्य के विज्ञान और कार्मिकों का संयोजन होना जरूरी है। हर व्यक्ति अपनी सही जगह काम करे उसकी योग्यता के अनुसार। फिर जब कार्य का विज्ञान हो गया हमारे सामने, कार्मिक हो गए, तो द मैनेजमेंट एंड द वर्कर्स, प्रबंध और कर्मचारियों के बीच वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में उसको डिवाइड कीजिए, वैज्ञानिक रूप से कार्य उत्तरदायित्व में विभाजन कीजिए, तब जाकर किसी भी संगठन के उद्देश्य हैं वो पूरे हो सकते हैं। ये वैज्ञानिक प्रबंधन के चार सिद्धांत हैं, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अब इन चार सिद्धांतों के आधार पर वैज्ञानिक प्रबंध यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट की जो विचारधारा है, उसकी दर्शन, फिलोसफी या उसका सार तत्व है, उसमें हम पांच चीज़ें निकाल सकते हैं। और वो पांच चीज़ें कौन सी है कि साइंटिफिक मैनेजमेंट साइंस पर बल देता है, रूल ऑफ थंब पर नहीं। साइंस को अपनाना है, नॉट रूल ऑफ थंब, इसको हमें अवॉइड करना है। हार्मनी यानी सामंजस्य होना चाहिए, न कि संघर्ष। संघर्ष नहीं होना चाहिए, संगठन में सामंजस्य होना चाहिए प्रबंधकों और कर्मचारियों के बीच। कोऑपरेशन होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, व्यक्तिवाद नहीं होना चाहिए। इंडिविजुअल पर ध्यान नहीं देना है, हमें संगठन पर ध्यान देना है, हमें सहयोग से, समन्वय से कार्य करना है, कोऑपरेशन से। सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट कैसे मिले संगठन में। रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए संगठन में। प्रत्येक व्यक्ति का अधिकतम, प्रत्येक कार्मिक जो होता है संगठन में, उसका अधिकतम कार्य कुशलता तक और समृद्धि तक विकास करना है। द डेवलपमेंट ऑफ ईच मैन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी प्रत्येक कार्मिक का विकास करना है उसकी अधिकतम सीमा तक। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट के पांच सार तत्व हैं जो वैज्ञानिक प्रबंध के सिद्धांतों पर ही आधारित है। वैज्ञानिक प्रबंध, टेलर को वैज्ञानिक प्रबंध का जनक कहा जाता है। इसकी परिभाषा में हम ये लिख सकते हैं कि किसी भी काम को एक विशेष ज्ञान के माध्यम से सिस्टेमेटिक तरीके से करना, क्रमबद्ध और सिस्टेमेटिक तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से करना वैज्ञानिक प्रबंध कहलाता है। इसकी शुरुआत US में हुई थी। यह सिस्टेमेटिक, एनालिटिकल और ऑब्जेक्टिव अप्रोच वाली चीज़ है। वैज्ञानिक प्रबंध का जो सार तत्व है, जिस्ट है, एसेंस है, वो है मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति। ये वैज्ञानिक प्रबंध का सार तत्व है, मेंटल रिवोल्यूशन। साइंटिफिक मैनेजमेंट को दूसरी औद्योगिक क्रांति भी कहा जाता है। इसकी जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो ये है कि हर मनुष्य एक इकोनॉमिक मैन है, एवरी मैन
इज एन इकोनॉमिक मैन, प्रत्येक व्यक्ति एक आर्थिक प्राणी है जो संगठन में आर्थिक लाभों से ही प्रेरित होता है। यानी आप किसी को भी काम करने के लिए आर्थिक लाभ का बोलेंगे तो वो काम कर देगा। वैज्ञानिक प्रबंध की ये पहली मान्यता है। कार्य के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया गया है, इसमें मिनिमम एफर्ट्स एंड मैक्सिमम आउटपुट, एकदम कम प्रयासों से न्यूनतम संसाधनों से अधिकतम उत्पादन हम कैसे कर सकते हैं। और एक वैज्ञानिक प्रबंध की ये मान्यता है कि सबसे अच्छा कर्मचारी वही होता है जो अपने उच्चस्थ अधिकारियों के आदेशों का पालन करे। वैज्ञानिक प्रबंध के लिए टेलर ने कुछ तकनीकें अपनाई हैं, जिसमें कुछ स्टडीज़ तो थी, समय अध्ययन, गति अध्ययन, थकान अध्ययन, अपवाद का सिद्धांत, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति, पीस रेट सिस्टम, मानकीकरण यानी टूल्स का मानकीकरण, संगठन में औजारों का मानकीकरण, फंक्शनल फोरमैनशिप, प्रकार्यात्मक फोरमैनशिप, आधुनिक लागत व्यवस्था और दृढ़ अवरोधक पद्धतियाँ। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं उसका हम आगे स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं मानसिक क्रांति को। इसमें जो लेफ्ट साइड में ये मैनेजमेंट की पिक्चर है कि ये वो लोग हैं जो प्रबंधक हैं, जो मालिक कह सकते हैं, प्रबंध है ये। और इधर राइट साइड में कार्मिक है यानी कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, तो ये हो गए वर्कर्स। तो मैनेजमेंट और वर्कर्स का मूल रूप से उद्देश्य क्या होता है? टेलर कहते हैं कि इनका उद्देश्य एक ही होता है, दोनों का उद्देश्य क्या होता है? अधिकतम उत्पादन। लेकिन परंपरागत प्रबंध में क्या माना जाता था कि दोनों के उद्देश्य अलग अलग होते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध में मेंटल रिवोल्यूशन, मानसिक क्रांति की जो अवधारणा है वो एक सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। वो ये मानता है कि प्रबंध का काम है कि सबसे कम खर्चे में संगठन उत्पादन करे। और कर्मचारियों का क्या मानना है कि हमें काम करने के बदले बेहतर सुविधाएं और बेहतर वेतन मिले, लेकिन दोनों का लक्ष्य एक ही है कि संगठन में उत्पादन बढ़ाना है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन में मानसिक क्रांति को सार तत्व माना जाता है, मेंटल रिवोल्यूशन को, क्योंकि कोई भी एक ऐसा तरीका जो प्रबंध को भी राजी कर दे, कर्मचारी को भी राजी कर दे, दोनों को ही संगठन के उद्देश्यों से, लक्ष्यों से प्रेरित, उनकी तरफ प्रेरित कर दिया जाए, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो ये लेबर वेलफेयर की भी बात करता है, यानी कर्मचारियों को अच्छे इंसेंटिव, अच्छी सैलरी देने की बात करता है, और मैनेजमेंट खुद के प्रॉफिट की भी बात करता है। लेकिन इसमें दोनों का म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, यानी दोनों एक दूसरे की बात समझेंगे तो वो बेहतर तरीके से संगठन अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकता है। यानी प्रबंध ये सोचता है कि मैं कर्मचारियों को अच्छा वेतन दूं और संगठन में अच्छी तरीके से काम करें, और कर्मचारी ये सोचे कि प्रबंध हमें हेल्प करे, हम अच्छा काम करेंगे, हमें अच्छी सुविधाएं दे, तो दोनों का भला हो सकता है। इसीलिए इसको मानसिक क्रांति कहा गया है कि दोनों का ही भला हो रहा है, जबकि परंपरागत प्रबंध में ये माना जाता था कि दोनों एक दूसरे के विरोधी होते हैं। अब एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, फंक्शनल फोरमैनशिप। ये सिद्धांत आदेश की एकता के बिल्कुल विपरीत है। आदेश की एकता, आदेश की एकता सैन्य शब्दावली से लिया हुआ एक विचार है। इसके टेलर विरोधी थे। वो ये मानते थे कि कार्य जो होता है वो विशेषीकरण के आधार पर होना चाहिए। तो उन्होंने ये कहा कि एक कार्मिक के, एक श्रमिक के एक बॉस नहीं होते, एक श्रमिक के 8 बॉस होते हैं। जबकि आदेश की एकता में ये मानते हैं कि एक श्रमिक के एक बॉस होते हैं। टेलर ये कहते हैं कि एक कर्मचारी को, एक वर्कमैन को 4 प्लानिंग इंचार्ज और 4 एग्जीक्यूशन इंचार्ज ये नियंत्रित करते हैं। तो इसमें इन्होंने इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम एंड कोस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनेरियन, शॉप डिसिप्लिनेरियन, ये 4 इनके इंचार्ज हो गए जो प्लानिंग लेवल पर काम करते हैं, और 4 इनके इंचार्ज हो गए जो स्पीड बॉस, गैंग बॉस, इंस्पेक्टर एंड रिपेयर्स बॉस, दल नेता, गति नेता,
निरीक्षक और मरम्मत नेता, तो चार एग्जीक्यूशन लेवल पर और चार प्लानिंग लेवल पर। तो संगठन में कर्मचारी के 8 बॉस हो गए। इसी को टेलर ने फंक्शनल फोरमैनशिप कहा है, टेलर का फंक्शनल फोरमैनशिप का सिद्धांत, जिसमें ये माना जाता है कि एक कर्मचारी को 8 बॉस आदेशित करते हैं। इसने आदेश की एकता का विरोध किया, क्योंकि ये स्पेशलाइजेशन संगठन में विशेषीकरण का समर्थक है। और टेलर ने फोरमैन के लिए नो क्वालिटीज़ बताई हैं कि एक अच्छे फोरमैन में, एक अच्छे सुपरवाइज़र में 9 गुण होने चाहिए। टेलर का पीस रेट वेज सिस्टम, वेज कहते हैं मजदूरी को, पीस रेट वेज सिस्टम यानी मजदूरी देने का, कर्मचारियों को मजदूरी देने का एक तरीका है पीस रेट सिस्टम। इसके मेथड्स क्या हैं कि टाइम रेट सिस्टम ये कहता है कि आप 8 घंटे काम करो तो आपको 8 घंटे का वेतन मिलेगा, आप 10 घंटे काम करो तो, यानी इसमें कर्मचारी के घंटे फिक्स होते हैं, वेतन फिक्स होता है, घंटे फिक्स होते हैं, इसको बोलते हैं टाइम रेट सिस्टम। लेकिन एक सिस्टम होता है पीस रेट सिस्टम। तो टेलर ने ये पाया कि 8 घंटे का अगर सिस्टम करेंगे तो एक निश्चित राशि मिलेगी, तो चाहे वो कितना ही काम करे, वो काम करना ही नहीं चाहता कार्मिक, कार्मिक सोचेगा कि मैं 6 घंटे काम करूं तो भी मुझे निश्चित सैलरी मिलेगी, अगर मैं 4 घंटे काम करूं तो भी मुझे निश्चित सैलरी मिलेगी। तो टेलर ने इसके उपाय के रूप में ये बताया कि अब आपको सैलरी मिलेगी या वेतन मिलेगा या वेज मिलेगी, मजदूरी दर मिलेगी, वो आपको एक पीस के हिसाब से मिलेगी, पीस रेट सिस्टम। एक पीस यानी कोई 10 पीस का उत्पादन कर रहा है तो उसको सैलरी कम मिलेगी, और कोई 15 कर रहा है तो उसको ज़्यादा मिलेगी। यानी पीस रेट, एक पीस पर आपको मजदूरी दर का भुगतान किया जाएगा, इसको पीस रेट सिस्टम कहा जाता है, पीस रेट वेज सिस्टम। और एक टेलर ने इंसेंटिव सिस्टम का भी जिक्र किया है कि बोनस या अन्य जो गैर आर्थिक लाभ हैं उनको भी देना चाहिए कर्मचारियों को, जैसे बोनस की अवधारणा है, तो इससे भी कर्मचारी प्रेरित होते। तो पीस रेट सिस्टम टेलर का एक वैज्ञानिक प्रबंध की तकनीक थी। एक है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, जितने भी औजार हैं संगठन में काम करने के लिए, इनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक मानक होना चाहिए। अगर इनका एक मानक नहीं है तो संगठन में उत्पादन प्रभावित होगा। अगर आप इनको टूल्स को देख रहे हैं तो अगर इनमें ये अपडेटेड नहीं है, इनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्या होगा, जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनकी क्षमता पर फर्क पड़ेगा। और इनको टूल्स को पूरे स्टैंडर्ड तरीके से तैयार किया जाना चाहिए, यानी हर टूल का एक मानक होना चाहिए निश्चित, और उनको अपडेट किया जाना चाहिए। ये टेलर की अवधारणा थी कि यंत्रों का, औजारों का मानकीकरण होना चाहिए। एक टेलर का फेमस सिद्धांत है अपवाद द्वारा प्रबंधन, मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंधन। यानी प्रबंधकों को कभी भी कर्मचारियों के दिन प्रतिदिन के कामों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, केवल अपवाद दिखे। जैसे एक पिक्चर दिख रही है, इसमें एक अलग रंग आपको नज़र आ रहा है, अलग रंग, तो इस पर ध्यान देना चाहिए प्रबंधकों को, न कि ये बाकी। जब आप मानकीकरण कर लेते हैं तो एक निश्चित उत्पादन तय हो जाता है कि ए यूनिट है इतना उत्पादन करेगी, बी यूनिट इतना उत्पादन करेगी। अगर कोई यूनिट बहुत कम उत्पादन कर रही है या बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रही है तो ऐसी स्थिति में प्रबंध को हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन दैनिक कार्यों में बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, ये टेलर ने कहा है। इसके उदाहरण जो लोक प्रशासन में यानी सरकारी प्रशासन में और निजी प्रशासन में दिए जा सकते हैं। निजी प्रशासन में तो ऐसा माना जाता है कि कोई यूनिट अगर बहुत कम उत्पादन कर रही है या बहुत ज़्यादा उत्पादन कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं कि ये कम क्यों हो रहा है, ज़्यादा क्यों हो रहा है। और लोक प्रशासन में एक उदाहरण ऐसे दिया जा सकता है कि जैसे एक जिला निर्वाचन अधिकारी है और कहीं पर वोटिंग चल रही है, तो वोटिंग का टाइम मान लेते हैं 7 से 5 होता है, तो वोटिंग के टाइम नॉर्मली एक टेंडेंसी होती है कि 2 बजे लगभग 40-50% मतदान हो जाना चाहिए, 30 से लेकर 50% तक मतदान हो जाना चाहिए, लेकिन
उसको पता चलता है कि 2 बजे किसी जगह पर 10% ही मतदान नहीं हुआ है, तो उसको हस्तक्षेप करना चाहिए। ये लोक प्रशासन के लिए उदाहरण है कि वो जाकर देखे या पता करे अधिकारियों के माध्यम से कि किसी पर्टिकुलर स्थान पर बहुत कम मतदान क्यों हो रहा है। इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि सरकारी प्रशासन में मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ये दोनों या तीनों उदाहरण ही टेलर ने अपनी बुक में नहीं दिए हैं, ये केवल समझने के हिसाब से है। किसी विशेष स्थान या केंद्र से सभी का चयन होने पर भर्ती निकाय द्वारा, जैसे मान लीजिए किसी भी स्टेट में कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है लेकिन वो कोई परीक्षा कंडक्ट करवाती है, तो एक विशेष एरिया के 500 कैंडिडेट किसी परीक्षा में बैठते हैं और सबका एक साथ सिलेक्शन हो जाता है, तो ये जांच का विषय है कि एक ही एरिया से कंटिन्यू 500 कैंडिडेट्स कैसे सिलेक्ट हो सकते हैं। ये अपवाद द्वारा प्रबंध करने का एक उदाहरण हो सकता है। टेलर ने यह कहा है कि प्रबंधक को जहाँ भी लगे कि यहाँ पर उत्पादन कम या बहुत ज़्यादा हो रहा है तब हस्तक्षेप करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर कुछ अध्ययन किए, जैसे टाइम स्टडी, मोशन स्टडी, फटीग स्टडी, समय अध्ययन, गति अध्ययन और थकान अध्ययन। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को टास्क एंड बोनस मैनेजमेंट भी कहा जाता है। टाइम स्टडी में इन्होंने गैंट चार्ट, बार चार्ट, इसमें बहुत सारे लोगों का, अन्य जो इंजीनियर थे टेलर के समकालीन उनका भी योगदान रहा है, जैसे हेनरी लॉरेंस गैंट ने गैंट चार्ट बनाया, ये अमेरिका के मैकेनिकल इंजीनियर थे। मोशन स्टडी में बहाव प्रक्रिया चार्ट, फ्लो प्रोसेस चार्ट, जो गिलब्रेथ फैमिली ने बनाया, गिलब्रेथ दंपति, ये पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी थे, फ्रैंक बंकर गिलब्रेथ, जिनको गति अध्ययनों का जनक कहा जाता है, ये अमेरिकन इंजीनियर थे, और इनकी पत्नी लिलियन एवलिन गिलब्रेथ, ये अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थी और इंजीनियर थी, ये दोनों पति पत्नी जिनको गिलब्रेथ दंपति कहा जाता है, इन्होंने फ्लो प्रोसेस चार्ट बनाया था। ये वैज्ञानिक प्रबंध में इनका मोशन स्टडी में योगदान है। फटीग स्टडी, टेलर ने यह अध्ययन किया था कि थकान के बाद अगर आराम दे दिया जाए, किसी भी कर्मचारी को थकान तो होती है, तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा आराम देने से कर्मचारी की कार्यक्षमता बढ़ती है। एक HR टाउने, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे, ये दानदाता थे, इन्होंने बहुत सारा वैज्ञानिक प्रबंध में योगदान दिया है। मॉरिस कुक, ये भी एक अमेरिकन इंजीनियर थे, इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वैज्ञानिक प्रबंध को लागू किया। वैज्ञानिक प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, वैज्ञानिक प्रबंध की कुछ विशेषताएं होती है जिनमें एक तो ये स्किल डेवलपमेंट पर बल देता है, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करने को बेहतर समझता है, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और वर्क डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे तरीके से किया जाता है, और सहयोग समन्वय सहकारिता के साथ मानसिक क्रांति पर बल दिया जाता है, संगठन में विशेषीकरण का ये परिचायक है, कार्य विभाजन इसमें इसकी सर्वप्रमुख विशेषता है, ये उपकरणों के औजारों के मानकीकरण पर बल देता है, क्योंकि अगर मानकीकरण नहीं करेंगे तो किसी भी संगठन में उत्पादन नहीं हो सकता। ये कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने की बात करता है, प्रशिक्षित करने की बात करता है, कर्मचारियों को हद से ज़्यादा उनका विकास, उनकी समृद्धि की बात करता है, तो इसको मानव संसाधन विकास कह सकते हैं। टेलर कहते हैं कि न्यूनतम संसाधनों से सर्वोत्तम रिजल्ट कैसे लाया जाए, यही वैज्ञानिक प्रबंध है, तो वो संसाधनों के सदुपयोग की बात करते हैं। टेलर कहते हैं ऐसे कर्मचारी जो संगठन में काम करें उनको अच्छा वेतन दो और जो काम चोर है उनको निकाल दो, तो प्रेरणात्मक मजदूरी है, जो अच्छा काम करेंगे अच्छा वेतन पाएंगे। और टेलर नियोजन को यानी प्लानिंग के लेवल पर बहुत अच्छा काम करते हैं, यानी प्लानिंग कोई भी काम है वो आप प्लानिंग करके करो, वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करके करो, तो संगठन में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट से रिलेटेड है। एक तो स्मिट नाम के एक पात्र का जिक्र है। टेलर अपनी किताब में ऐसे लिखते हैं कि स्मिट तुम्हें कितना काम करना है, तुम्हें इतने डॉलर चाहिए क्या, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, तो वो जो कैरेक्टर क्रिएट करते हैं अपनी बुक में द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में, वो एक पिग आयरन जो
एक्सपेरिमेंट थे कच्चे लोहे को हटाने संबंधी प्रयोग, उसमें एक हेनरी नोल नामक कर्मचारी थे, उनकी जगह वो स्मिट लिखते हैं। स्मिट यानी एक कैरेक्टर है ये, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में। सोप फ्लोर लेवल किसको कहा जाता है? सोप फ्लोर लेवल कहा जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन का लोवेस्ट लेवल, यानी ऑर्गेनाइजेशन में जो सबसे निचला स्तर होता है, दैट इज कॉल्ड सोप फ्लोर। सोप फ्लोर ये लोवेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट मूल रूप से एक मोनोग्राफ है। मूल रूप से क्या है? एक मोनोग्राफ, यानी यह है एक ऐसा निबंध या ऐसी रचना है जो किसी विशेष विषय पर बहुत डिस्क्रिप्टिव टाइप से, बहुत डिटेल्ड स्टडी के साथ लिखी गई है, उसको मोनोग्राफ कहते हैं। टेलर के जो जॉब हैं, यानी टेलर ने जो काम किया है, उनको देखकर ये लगता है कि बड़े ज़मीन से जुड़े आदमी रहे हैं ये। ये सबसे पहले एक अप्रेंटिस बने, फिर क्लर्क बने, फिर मशीनिस्ट बने, फिर गैंग बॉस बने, फिर रिसर्च डायरेक्टर बने, चीफ इंजीनियर बने, फिर इन्होंने मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री की, और फिर ये जनरल मैनेजर बने, और उसके बाद ये प्रोफेसर बने। तो ये टेलर के जॉब प्रोफाइल है कि इन्होंने संगठन में सबसे निचले स्तर पर यहाँ से काम करना शुरू किया था और यहाँ तक पहुँचे थे। बेथलेहम कंपनी से बाद में इनको निकाल दिया गया था, और लास्ट में अपनी मृत्यु से कुछ वर्ष पहले तक ये रिसर्च का काम करते रहे थे, और इन्होंने अपने जो प्रयोग हैं, लेख हैं, उनको, किताबों को इनको लिखा था। 1915 में इनकी मृत्यु हुई थी। लुई ब्रैंडिस एक अमेरिकन लॉयर थे, और बाद में वो अमेरिका के फेडरल कोर्ट के जज बने। इन्होंने 1910 में साइंटिफिक मैनेजमेंट शब्दावली का प्रयोग किया था सबसे पहले। एस में अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स कहते हैं इसको, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। टेलर इसके 1906 से लेकर 1907 तक प्रेसिडेंट रहे थे। टेलर के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो शॉप मैनेजमेंट हो, पीस रेट सिस्टम हो, वो सारे के सारे एसमे में छपते थे, एसमे में पढ़े जाते थे इनके पेपर्स। साइंटिफिक मैनेजमेंट को डिफाइन करने में, साइंटिफिक मैनेजमेंट का नोइंग एंड सीइंग, ये जानना है कि आप अपने संगठन में लोगों से क्या करवाना है, आपको ये जानना है कि आपको संगठन में लोगों से क्या करवाना है, और ये देखना है कि जो कुछ करवाना है ना, वो सबसे बेहतर तरीके से और सबसे सस्ते में कैसे करवाया जा सकता है, ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है। वैज्ञानिक प्रबंध के जो दर्शन है या उसका सार तत्व है, वो है कि अंगूठे के नियम के बजाय विज्ञान का प्रयोग करना है, संघर्ष के स्थान पर सामंजस्य, व्यक्तिवाद के स्थान पर हमें सहयोग करना है, और सीमित उत्पादन के स्थान पर अधिकतम उत्पादन करना है, और प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिकतम क्षमता के अनुसार उसका विकास करना है। टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट को टास्क मैनेजमेंट भी कहा जाता है। साइंटिफिक मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फर्स्ट सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत या कोहरेंट थियरी है, एकदम सिस्टेमेटिक एंड ऑर्गेनाइज थियरी है। इसका प्रसार सोवियत संघ में भी हुआ था, जिसको स्टखनोवाद कहते हैं, स्टखनोवाद आंदोलन। 20वीं शताब्दी के द्वितीय और तृतीय दशक में इसका प्रभाव सोवियत संघ पर भी पड़ा था। जो वैज्ञानिक प्रबंध में अन्य विचारक है जिनका योगदान है, वो मैनेजमेंट साइंस यानी प्रबंध के विज्ञान में जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधों तकनीक का इस्तेमाल किया, उनमें हेनरी आर टाउने हैं, जो टेलर के वैज्ञानिक प्रबंध की सोच के जनक भी कहे जा सकते हैं। चार्ल्स बेबेज हैं, फादर ऑफ कैलकुलेटर एंड मैथमेटिशियन। फ्रेडरिक हालसे हैं और हेनरी मेटकाफ हैं। टेलर की आलोचना भी की जाती है। टेलर की आलोचना करने वाले मूल वर्ग हैं एक श्रमिक वर्ग, जो ये कहता है कि टेलर ने आर्थिक मानव की अवधारणा दी है, और टेलर सामाजिक संबंधों को या मानवीय संबंधों को महत्व नहीं देते हैं, तो इस आधार पर श्रमिक वर्ग इनकी आलोचना करता है। कुछ यूनियनवादी जो लीडर थे, वो भी टेलर की आलोचना करते थे, क्योंकि इनका जो मेंटल रिवॉल्यूशन की थियरी है,
उसमें ये मानकर चला जाता है कि मैनेजमेंट और वर्कर यानी प्रबंधक और जो कार्मिक हैं इनके बीच कोई भेदभाव है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। तो ये मेंटल रिवोल्यूशन की थ्योरी थी, इससे ये जो यूनियनवादी थे इनका रोल ख़त्म हो गया था। तो यूनियनवादियों ने भी इनका विरोध किया। मानवीय संबंधों की उपेक्षा का आरोप लगाया जाता है, लेकिन अगर टेलर को गहराई से पढ़े तो हमें ये लगता है कि उन्होंने भी मज़दूरों के अच्छे भविष्य की कल्पना की है। हालांकि बहुत से विचारक ऐसे हैं जो मानवीय संबंधों की उपेक्षा का आरोप टेलर पर लगाते हैं। यांत्रिकीकरण का एक सीधा सीधा असर ये होता है कि जब एक बार मानक इस्टेब्लिश हो जाते हैं तो उसके बाद उत्पादन में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो जाती, तो इससे टेलर की आलोचना कुछ विचारक करते हैं। टेलरवाद की जो उपयोगिता है या महत्व है वो है कि इन्होंने प्रबंध को वैज्ञानिक आधार दिया, बोनस की संकल्पना के प्रतिपादक कहे जा सकते हैं, मानव संसाधन विकास की अवधारणा जो है HRD की आधुनिक प्रबंध में उसके जनक टेलर ने प्रशिक्षण को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, यानी कौशल विकास को और प्रशिक्षण को बहुत अधिक महत्व दिया है। तो ये टेलरवाद की उपयोगिता है। मानसिक क्रांति का विचार और वो भी 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में उस समय दिया जाना जब मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में संबंध इतने मधुर नहीं होते थे, तो ये बड़ी उपलब्धि है। उत्पादकता में वृद्धि किया जाना किसी भी संगठन का उद्देश्य होता है, चाहे वह निजी प्रशासन से रिलेटेड हो किसी भी। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, अपवाद द्वारा प्रबंधन, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट में योगदान और कार्मिक प्रशासन या कार्मिक प्रबंधन में टेलर की बहुत बड़ी उपयोगिता है। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने एक चीज़ रिकमेंड किया है कि एनुअल परफॉर्मेंस सिस्टम यानी वार्षिक कार्य मूल्यांकन या जिसको हम ACR भी कहते हैं, तो ये टेलर ने बहुत पहले ही इस चीज़ को बता दिया था। भागीदारी प्रबंधन का वो सपोर्ट करते हैं टेलर, और संसाधनों के उचित उपयोग की बात करते हैं, यानी मैक्सिमम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन होना चाहिए और मिनिमम एफर्ट्स होने चाहिए और मैक्सिमम आउटपुट संगठन में होना चाहिए। तो ये टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन की अवधारणा थी। धन्यवाद।